It is our lecture number 16, part 2. Today we are going to start topic of multiplication. So students, open your book. Now we are going to start question 5, which is on page number 15. Now we are going to solve part D. In part D, we have two values. First value is 34,571 and second value is 843. फर्स्ट वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लिकेंट है एंड सेकंड वैल्यू मल्टीप्लायर. सो नाउ हम इन टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो 34,571 मल्टीप्लाई बाय 843. सो यू नो स्टार्ट आपने हमेशा राइट साइड से करना है, मतलब यूनिट प्लेस से. नाउ हम फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लायर के वंस वैल्यू में जो 3 मौजूद हैं हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक 34,571 मल्टीप्लाई बाय 3. सो नाउ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 3. सो 3 राइट करेंगे आप. नाउ आप नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे. 7 3 21. सो 21 इज 2 डिजिट्स. यू नो हम एक साथ राइट नहीं कर सकते. सो 1 को आप नीचे राइट करेंगे एंड 2 एज अ कैरी राइट करेंगे 100 प्लेस पे. सो नाउ आप नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे. 5 3 15, बट आप कैरी भी ऐड करेंगे. सो 15 + 2 इज 17. सो 17 इज अगेन 2 डिजिट. सो 7 को आप नीचे राइट करेंगे एंड 1 एज अ कैरी राइट करेंगे 1000 प्लेस पे. सो नाउ आप नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे. 4 3 12, बट आप कैरी भी ऐड करेंगे. सो 12 + 1 इज 13. सो 13 इज अगेन 2 डिजिट. सो 3 को आप नीचे राइट करेंगे एंड 1 एज अ कैरी राइट करेंगे 10,000 प्लेस पे. सो नाउ आप नेक्स्ट प्लेस मूव करेंगे. 3 3 9, बट आप कैरी भी ऐड करेंगे. सो 9 + 1 इज 10. सो आप 10 राइट करेंगे. सो नाउ हम सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लायर के टेंस वैल्यू में जो 4 मौजूद हैं हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 के राइट साइड पर हमारे पास जितने डिजिट्स होंगे हम उतने 0 राइट करेंगे. सो 4 के राइट साइड पर हमारे पास 1 डिजिट है. सो हम 10 राइट करेंगे. लाइक 34,571 मल्टीप्लाई बाय 40. नाउ हम फर्स्ट स्टेप की कैरी वैल्यू को भी कट कर देंगे और सेकंड स्टेप में 1 प्लेस पर फर्स्ट स्टेप के 3 के नीचे क्रॉस प्लेस करेंगे. सो नाउ हम मल्टीप्लाई करेंगे. 1 4 4, सो आप 4 राइट करेंगे. सो नाउ आप नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे. 7 4 28, सो 28 इज 2 डिजिट. सो 8 को आप नीचे राइट करेंगे एंड 2 एज अ कैरी राइट करेंगे 100 प्लेस पे. सो नाउ आप नेक्स्ट प्लेस मूव करेंगे. 5 4 20, बट आप कैरी भी ऐड करेंगे. सो 20 + 2 इज 22. सो 22 इज अगेन 2 डिजिट. सो 2 को आप नीचे राइट करेंगे एंड 2 एज अ कैरी राइट करेंगे 1000 प्लेस पे. सो नाउ आप नेक्स्ट प्लेस मूव करेंगे. 4 4 16, बट आप कैरी भी ऐड करेंगे. सो 16 + 2 इज 18. सो 18 इज अगेन 2 डिजिट. सो 8 को आप नीचे राइट करेंगे एंड 1 एज अ कैरी राइट करेंगे 10,000 प्लेस पे. सो नाउ आप नेक्स्ट प्लेस मूव करेंगे. 3 4 12, बट आप कैरी भी ऐड करेंगे. सो 12 + 1 इज 13. सो आप 13 राइट करेंगे. नाउ हम थर्ड स्टेप में मल्टीप्लायर के 100 वैल्यू में जो 8 मौजूद हैं हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 8 के राइट साइड पर हमारे पास जितने डिजिट्स होंगे हम उतने 0 राइट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, 8 के राइट साइड पर हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 2. इट्स मींस कि हम 20 राइट करेंगे. लाइक 34,571 मल्टीप्लाई बाय 800. एंड नाउ आप सेकेंड स्टेप की कैरी वैल्यू को भी कट कर देंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ हम थर्ड स्टेप में वंस एंड टेंस प्लेस पर सेकेंड स्टेप के नीचे 2 क्रॉस प्लेस करेंगे. नाउ हम मल्टीप्लाई करेंगे. 1 8 8, सो आप 8 राइट करेंगे. सो नाउ हम नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे. 7 8 56, सो 56 इज 2 डिजिट. सो 6 को आप नीचे राइट करेंगे एंड 5 एज अ कैरी राइट करेंगे 100 प्लेस पे. सो नाउ आप नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे.
5 8 सा 40, बट आप कैरी भी ऐड करेंगे, सो 40 प्लस 5 इज़ 45, सो 45 इज़ अगेन 2 डिजिट, सो 5 को आप नीचे राइट करेंगे एंड 4 एज अ कैरी राइट करेंगे 1000 प्लेस पे। सो नाउ आप नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, 4 8 सा 32, बट आप कैरी भी ऐड करेंगे, सो 32 प्लस 4 इज़ 36, सो 36 इज़ अगेन 2 डिजिट, सो 6 को आप नीचे राइट करेंगे एंड 3 एज अ कैरी राइट करेंगे 10,000 प्लेस पे। सो नाउ आप नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, 3 8 सा 24, बट आप कैरी भी ऐड करेंगे, सो 24 प्लस 3 इज़ 27, सो आप 27 राइट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ हम इन 3 स्टेप्स को ऐड करेंगे। यू नो स्टार्ट हम हमेशा राइट साइड से करते हैं, मतलब यूनिट प्लेस से। सो स्टूडेंट्स, 3 के नीचे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो इट्स मीन्स कि हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, सो हम 3 को एज इट इज़ राइट करेंगे नीचे। क्लियर? सो नाउ हम नेक्स्ट प्लेस में मूव करेंगे, सो वी हैव 2 नंबर्स इन नेक्स्ट प्लेस, 1 एंड 4, सो 1 प्लस 4 इज़ 5, सो 5 को आप नीचे राइट करेंगे। नाउ आप नेक्स्ट प्लेस में मूव करेंगे, सो वी हैव 3 नंबर्स, 7 प्लस 8 प्लस 8 इज़ 23, सो 23 इज़ 2 डिजिट, यू नो हम एक साथ राइट नहीं कर सकते, सो 3 को आप नीचे राइट करेंगे एंड 2 को कैरी देंगे नेक्स्ट प्लेस पे। सो नाउ आप नेक्स्ट प्लेस में मूव करेंगे, सो नाउ वी हैव 3 नंबर्स, बट इंक्लूड कैरी वी हैव 4 नंबर, सो 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 इज़ 13, सो 13 इज़ अगेन 2 डिजिट, सो 3 को आप नीचे राइट करेंगे एंड 1 को कैरी देंगे नेक्स्ट प्लेस पे। सो नाउ हम नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, सो 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 5 इज़ 14, सो 14 इज़ अगेन 2 डिजिट, 4 को आप नीचे राइट करेंगे एंड 1 को कैरी देंगे नेक्स्ट प्लेस पे। सो नाउ आप नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, सो इन नेक्स्ट प्लेस वी हैव 3 नंबर्स, बट इंक्लूड कैरी वी हैव 4 नंबर, सो 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 इज़ 11, सो 11 इज़ अगेन 2 डिजिट, सो 1 को आप नीचे राइट करेंगे एंड 1 को कैरी देंगे नेक्स्ट प्लेस पे। सो नाउ आप नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, सो नेक्स्ट प्लेस पे हमारे पास 2 नंबर्स है, बट इंक्लूड कैरी वी हैव 3 नंबर्स, सो 1 प्लस 1 प्लस 7 इज़ 9, सो आप 9 राइट करेंगे नीचे। सो नाउ आप नेक्स्ट प्लेस में मूव करेंगे, सो नेक्स्ट प्लेस पे हमारे पास एक ही नंबर है, 2, सो हम 2 को एज इट इज़ राइट करेंगे नीचे। सो आंसर इज़ 29,143,353, सो इट्स मीन्स ये हमारे पास प्रोडक्ट है। होमवर्क क्वेश्चन 5 पार्ट ए बी सी एंड डी इन द कॉपी पेज नंबर 15। स्टूडेंट्स, पार्ट डी मैंने आपको सॉल्व करवाया है, सो आपने एज इट इज़ राइट करना है एंड ए बी सी भी आपने सॉल्व करना है। ओके, इट्स मीन्स कि आपने ए टू डी कंप्लीट पार्ट सॉल्व करने हैं। बट मस्ट रिमेंबर योर वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।